बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर की ये खास अपील। कहा, हम सब दिन भर ड्रग्स नहीं लेते। आखिर क्यों कहा ऐसा सुनील शेट्टी ने, आइए जानते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मायानगरी मुंबई के दौरे पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में भविष्य में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ मुंबई आए हुए थे। इतना ही नहीं, इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कई बिजनेसमैन से भी बातचीत की। इसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस बीच सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर खास बातें की। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे के दौरान शहर के मशहूर ताज होटल में बॉलीवुड हस्तियों के साथ रूबरू हुए हैं। इस दौरान हिंदी सिनेमा के दमदार कलाकार सुनील शेट्टी भी योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से कई अहम मुद्दों पर भी बात की। सुनील शेट्टी का कहना है कि इंडस्ट्री के 99% लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स नहीं लेते हैं। हम सब दिन भर ड्रग्स थोड़े ना लेते रहते हैं, न ही हम सब बुरे काम करते हैं। इंडस्ट्री के 99% लोग अच्छे हैं, जिनके दम पर भारत को बाहरी देशों के साथ हमारी कहानियों और संगीत ने जोड़ा है। ऐसे में हम लोगों की छवि को मौजूदा समय में बेहद गलत बना दिया गया है। अपनी बात को आगे रखते हुए सुनील शेट्टी ने उत्तर प्रदेश के सीएम से ये गुहार लगाई है कि इंडस्ट्री के खिलाफ चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड को रोकना चाहिए, इससे इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले पर चर्चा करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले को लेकर बातचीत करें, इससे बहुत फर्क देखने को मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के प्रति इस विरोध की भावना को रोकना अब बेहद जरूरी हो गया है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफकोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्म में मैं रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग होंगे। वेल, जिस तरह से सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ के सामने बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर अपनी ये बातें रखी हैं, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।